लगातार अपनी मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन के साथ ही मनरेगा कर्मचारियों ने दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित मोहमरा एनिकेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल के 17वें दिन बुधवार को शिवनाथ नदी के मोहमरा एनिकेट पर अधजल पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया और शासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराते हुए नियमितीकरण की मांग की। गौरतलब है कि पिछले 4 अप्रैल से मनरेगा कर्मचारी प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में मनरेगा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मनरेगा कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी है। शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने और उसको संज्ञान मिले और हमारी मांग को पूरी तरीके से पूर्ण करें। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा आज हड़ताल करते 17 दिन हो गए हैं। हमारे महासंघ द्वारा दंतेवाड़ा से भी एक दांडी मार्च निकाल के रायपुर तक आने की का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत से साथी 290 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और उनके पैर में छाले पड़ चुके हैं। वो दिन रात अथक मेहनत करके सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग, और उसी के कार्यक्रम में हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज जिला दुर्ग अंतर्गत सारे मनरेगा कर्मचारी महासंघ के लोग जल सत्याग्रह का आयोजन किए हैं, जिसमें आज सभी हमारे कर्मचारी भाई और बहनें सभी आज जल सत्याग्रह के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इतने साल की सेवा और हमारे मेहनत को देखते हुए, हमारे परिवार की स्थिति को देखते हुए, जल्द से जल्द हमें नियमित कर हमको एक तोहफा प्रदान करें, जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सकें। यही मांग हम शासन से करते हैं। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।